हूँ मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बॉलीवुड की दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी के निधन को 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन उनके परिवार के लिए जख्म अभी भी हरा है। उनके परिवार के लिए जख्म कभी ना भरने वाले जख्मों में से एक है। वक्त बेवक्त उनका परिवार उन्हें याद करता हुआ नजर आ ही जाता है। श्रीदेवी के निधन के बाद से ही उनसे जुड़े तमाम किस्से और कहानियां लगातार खबरों का विषय बने ही रहते हैं। अभी हाल ही में श्रीदेवी के बेटे सौतेले बेटे हैं जो उनके अर्जुन कपूर ने श्रीदेवी और बोनी कपूर की शादी और उनके रिश्ते को लेकर एक इंटरव्यू के दौरान बड़ा खुलासा किया था। दरअसल अर्जुन कपूर ने बताया था कि मेरी माँ ने मुझे यही सीख दी थी कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये ठीक है या फिर ऐसा हो जाता है, लेकिन मैं उनका सम्मान करता हूँ और मैं अपने पिता के साथ हर मुश्किल समय में खड़ा रहूँगा और खड़ा रहा हूँ। यही सीख मुझे मेरी माँ ने दी थी। और आपको बता दें कि श्रीदेवी के निधन के समय भी अर्जुन कपूर ने बोनी कपूर का पूरा साथ दिया था और साथ ही उन्होंने अपनी सौतेली बहन जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर को भी अपनी सगी बहनों से बढ़कर प्यार दिया है और अक्सर ही इस पूरी फैमिली को साथ में स्पॉट किया जाता है। अर्जुन कपूर श्रीदेवी की बेटियों यानी खुशी कपूर और जाह्नवी कपूर के साथ भी एक स्पेशल बॉन्ड अब शेयर करने लगे हैं। ऐसे में अब आज अर्जुन कपूर और श्रीदेवी के रिश्ते के बारे में हम आपको बताएंगे। दरअसल अभी हाल ही में खुलासा हुआ है कि अर्जुन कपूर श्रीदेवी को माँ कहकर नहीं बुलाते थे, तो अर्जुन कपूर श्रीदेवी को क्या कहते थे, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। बॉलीवुड के यंग बॉय अर्जुन कपूर इस समय अपनी फिल्मों को लेकर काफी बिजी हैं। अभी 18 मई को उन्होंने अपनी फिल्म सरदार का ग्रैंडसन को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया है। उन्होंने इस फिल्म से डिजिटल डेब्यू किया है और बता दें कि इनका डिजिटल डेब्यू सफल हुआ। इनकी फिल्म सरदार का ग्रैंडसन को लोगों ने बेहद पसंद किया है, लोग इस फिल्म को खूब एंजॉय कर रहे हैं। बता दें कि इस फिल्म में इनके साथ रकुलप्रीत सिंह, जॉन अब्राहम और अदिति राव हैदरी ने एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे काशवी नेर ने डायरेक्ट किया है। भले ही इस फिल्म की IMDB रेटिंग खराब हो, लेकिन दर्शकों को इस फिल्म ने खूब मनोरंजन किया है और लोगों को ये फिल्म पसंद भी आई है। बता दें कि इस फिल्म में अर्जुन कपूर और रकुलप्रीत सिंह की जोड़ी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इस फिल्म के डिजिटल राइट्स को नेटफ्लिक्स ने खरीदा था और इस फिल्म को 18 मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। फिल्म की खूब वाहवाही हो रही है और इस समय अर्जुन कपूर सुर्खियों में बने हुए हैं। बता दें कि अर्जुन कपूर बॉलीवुड की दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी के सौतेले बेटे हैं। हालांकि अर्जुन कपूर और श्रीदेवी के बीच रिश्ते कभी भी ठीक नहीं थे। ये अपनी माँ को हमेशा पिता की पत्नी या फिर सिर्फ श्रीदेवी कहकर पुकारते थे। यह बात अलग है कि श्रीदेवी के निधन के बाद अर्जुन कपूर अपने पिता बोनी कपूर को संभाले हुए हैं और साथ में अपनी सौतेली बहनों जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर को बिल्कुल अपनी सगी बहनों की तरह ही मानते हैं और उनका वैसे ही वो ख्याल भी रखते हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में अर्जुन कपूर ने श्रीदेवी और बोनी कपूर के रिश्ते पर भी चुप्पी तोड़ी थी। बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर बोनी कपूर ने साल 1983 में मोना शौरी से पहली शादी की थी। 2 साल बाद 1985 में अर्जुन कपूर पैदा हुए, जबकि 1990 में बेटी अंशुला का जन्म हुआ। 1996 में बोनी कपूर और मोना शौरी का तलाक हो गया। बोनी कपूर ने उसी साल श्रीदेवी से शादी कर ली। तब अर्जुन कपूर महज 11 साल के थे, जबकि अंशुला 6 साल की। बोनी कपूर ने मोना को धोखा दिया था। अर्जुन कपूर ने पहली बार पिता की दूसरी शादी पर चुप्पी तोड़ी है। अर्जुन कहते हैं कि उस वक्त उनकी फैमिली के साथ जो हुआ, जब बोनी कपूर ने उनकी माँ को छोड़ा, उसे वो कभी अच्छा या ठीक है तो नहीं कह सकते। श्रीदेवी तब बॉलीवुड में नई नई आई थी। मिथुन चक्रवर्ती के साथ श्रीदेवी के इश्क के तब खूब चर्चे थे। मोना शौरी ने बहन मानकर श्रीदेवी को अपने घर में पनाह दी थी। श्रीदेवी प्यार से मोना को दीदी बुलाती थी, लेकिन कुछ समय बाद ही श्रीदेवी और बोनी कपूर का गुपचुप अफेयर शुरू हो गया। यही नहीं, बताया जाता है कि जब बोनी कपूर ने श्रीदेवी से शादी की तब वो 6 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। एक इंटरव्यू में अर्जुन कपूर ने अपनी माँ की परवरिश का जिक्र करते हुए बताया कि ये इसी की बदौलत है कि जो उन्होंने हालात का सामना किया। फिर चाहे वो 2018 में श्रीदेवी के निधन का वक्त ही क्यों ना हो, जब अर्जुन पिता बोनी कपूर के साथ खड़े नजर आए थे। अर्जुन कहते हैं कि ये माँ की ही सीख का नतीजा है कि उन्होंने पिता के साथ सौतेली बहनों जाह्नवी और खुशी संग भी अपने रिश्तों को नए सिरे से देखा और संजोया है। एक इंटरव्यू में अर्जुन कपूर कहते हैं, मेरी माँ की परवरिश हमेशा मेरे साथ है। वो मुझसे कहती थी कि चाहे जो भी हो, जैसे भी हालात हो, अपने पिता के साथ खड़े रहना। माँ ने कहा था कि पापा ने जो भी फैसला किया वो प्यार के कारण लिया। मैं भी अपने पिता का सम्मान करता हूँ कि उन्हें जीवन में दोबारा प्यार हुआ,
लेकिन प्यार बहुत पेचीदा होता है। आज हम यहाँ 2021 में बैठकर अगर कह सकते हैं कि इंसान को सिर्फ एक ही बार प्यारा होता है तो हम मूर्ख होंगे। ये बॉलीवुडिया बात है। असल में प्यार बहुत पेचीदा और जटिल है। प्यार का मतलब हमेशा प्यार में ही पड़े रहना नहीं है। अर्जुन कपूर आगे कहते हैं कि प्यार का मतलब कंपैटिबिलिटी, दोस्ती, सैचुरेशन है। प्यार में लोग कई चरणों से गुजरते हैं। हो सकता है कि आप किसी और से प्यार करते हैं और फिर किसी दिन किसी और से भी प्यार करने लगते हैं। इसे समझने की ज़रूरत है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पिता ने जो किया वो अच्छा था या ठीक था। मैं नहीं कह सकता कि ठीक है, होता है, लेकिन मैं इसे समझता हूँ। मैं हमेशा हैरान रहूँगा, लेकिन मैं जब इसे एक बड़े व्यक्ति के रूप में तार्किक होकर देखता हूँ कि जो अपने रिश्ते के उतार चढ़ाव से निपट रहा है, तो आप इसे समझते हैं। अर्जुन इंटरव्यू में आगे कहते हैं कि वो इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि उनके पेरेंट्स के बीच कुछ ऐसे हालात बने होंगे जिससे चीज़ें उस ओर बढ़ें। वो कहते हैं कि मैं एक अच्छा बेटा बनने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यही वो चीज़ है जो मेरी माँ मुझसे चाहती थी। अर्जुन कपूर ने कई मौक़ों पर यह साबित किया है कि कपूर वो परिवार के साथ हैं। खासकर श्रीदेवी के निधन के बाद वो जानवी और खुशी के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो हाल ही में अर्जुन कपूर की फिल्म सरदार का ग्रैंडसन OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है, जबकि लॉकडाउन में थिएटर में रिलीज़ हो चुकी उनकी फिल्म संदीप और पिंकी फरार भी अब Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।